आज हम लोग बच्चे स्टार्ट करेंगे कि आखिर बहुत सारे बच्चे ने पूछा सर AMPM का फुल फॉर्म क्या है, सर ओक्लॉक का मतलब क्या होता है। एग्जाम एक बार UPS ने पूछ दिया कि एग्जाम में आखिर ओक्लॉक का यूज कहाँ एग्जैक्ट करते हैं, तो उस पर क्वेश्चन बना के दिया था। आज सब पे बातें होगी, सब पे चर्चा होगी, तो चलो चलते हैं। मैं आपका धर्मेंद्र सर DSL में स्वागत करता हूँ और फिर से एक बार एक नए स्तर पर देखते हैं AMPM ओक्लॉक का यूज कहाँ करते हैं। वापस देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानो, हमने तीन वर्ड की बात करी AM PM और ओ क्लॉक। ये तीनों वर्ड में क्या अंतर है और ये तीनों का यूज हम कहां करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इनको फुल फॉर्म नहीं पता कि भाई AM PM का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन जानकर भी क्या करोगे, कोई उसका कोई खास फायदा नहीं है। बट अगर आप धर्मेंद्र सर के स्टूडेंट हो तो यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, तभी तो आप औरों से अलग कहलाओगे। औरों से भिन्न बनना है तो आपको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए और वो मैं आपके लिए पूरा कर रहा हूं। राइट, सबसे पहले चीज मैं आपको समझाऊं AMPM का यूज कहां कर सकते हो। सेंटेंस बनाते हैं फिर इसका जानते हैं फुल फॉर्म क्या है, पूरी बात जानो फटाफट। एग्जाम्पल बेटा है कि AMPM ओ क्लॉक का यूज देखो फटाफट। जैसे संदेश दिया हमने कि आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, चाहे बोलो चाहे लिखो, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा एट, आई विल मीट यू एट 4:30, साढ़े चार बजे, 4:30 o'clock। अपने आप को चेक करना राइट है कि रॉन्ग है। आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock। फिर सेकंड बोला सेम एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। तीसरा बोला आई विल मीट यू एट 4 PM। चौथा बोला आई विल मीट यू एट, सब कुछ सेम, 4 AM। हमने बोला अगला आई विल मीट यू एट 4:30 AM। लास्ट बोला आई विल मीट यू एट 4:30 PM। पहले ये जानते हैं, पहले एग्जाम्पल जानते हैं कि आखिर एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है। हमने कहा आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock, आई विल मीट यू एट 4 o'clock, आई विल मीट यू एट 4 PM, आई विल मीट यू एट 4 AM, आई विल मीट यू एट 4:30 AM, आई विल मीट यू एट 4:30 PM। राइट, अब आपने जज कर लिया होगा, फटाफट देखते हैं आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock। पहला एग्जाम्पल तुम्हारा गलत है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज रॉन्ग। गलत क्यों है सर, जस्ट डिस्कस करता हूं। सेकंड है आई विल मीट यू एट 4 o'clock, राइट, यानी सेकंड एग्जाम्पल राइट है, आई विल मीट यू एट 4 o'clock, राइट है। थर्ड है आई विल मीट यू एट 4 PM, राइट है। आई विल मीट यू एट 4 AM, राइट है। आई विल मीट यू 4:30 AM, राइट है। आई विल मीट यू 4:30 PM, राइट है। यानी पहला गलत क्यों हुआ इस पे विचार करते हैं, फिर जानेंगे फुल फॉर्म क्या होता है फटाफट। तो मैं बात करूं बेटा कि 4:30 एक वेरिएबल टाइम है, राइट। ओ क्लॉक का हिंदी होता है पक्का समय, पक्का समय, पक्का समय का मतलब होता है नॉट वेरी एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। जब तुम्हें बोलना हो एग्जैक्ट टाइम तो ओ क्लॉक का प्रयोग करना। ओ क्लॉक का प्रयोग कहां करना वो समझ लो। ओ क्लॉक का प्रयोग करना बच्चे, ओ क्लॉक का प्रयोग कहां करना वो देखो। तुम्हें बोलना है 4 o'clock, तुम्हें बोलना है 5 o'clock, तुम्हें बोलना है 6 o'clock, तुम्हें बोलना है 7 o'clock, ये सबके साथ तुम ओ क्लॉक लगा सकते हो। ओ क्लॉक का हिंदी क्या हुआ, एग्जैक्ट टाइम। ओ क्लॉक का हिंदी क्या हुआ, फिक्स टाइम। तो जहां भी आपको फिक्स टाइम बोलना हो, टाइम वेरी कर रहा हो, वहां पे आपको क्लॉक नहीं लगाना है, कहां लगाना है एग्जैक्ट टाइम के साथ। समझ में आ गया, आगे बढ़िए फटाफट। यहां पे हमने बात करा कि ओ क्लॉक, समझ में हम लोग को आ गया ओ क्लॉक कहां लगाना है एग्जैक्ट टाइम के साथ। अब AMPM कहां लगाएं, AM का फुल फॉर्म क्या होता है वो जानिए। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, MERIDIUM, एंटी मेरिडियन, ठीक है बेटा, एंटी मेरिडियन। अब यहां पे PM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। अब ध्यान दो AM, एंटी मेरिडियन का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ एंटी मेरिडियन का मतलब हुआ बिफोर नून, और पोस्ट में कहते हुआ आफ्टर नून, यानी बिफोर नून यानी दोपहर से पहले, दोपहर से पहले। तो दोपहर से पहले का मतलब क्या हुआ,
रात 12 से दिन 12 तक क्या लगाओगे एम, और पीएम कब लगाओगे? दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक क्या लगाओगे? पीएम, यानी पीएम तब लगाओगे आफ्टरनून, आफ्टर मतलब बाद, यानी आफ्टर मतलब बाद में, दोपहर के बाद और दोपहर से पहले, तो दोपहर से पहले क्या लगाओगे एएम, और दोपहर के बाद क्या लगाओ पीएम। जैसे आई विल मीट यू, अब तुम्हें मिलूंगा 4 बजे सुबह, तो आई विल मीट यू एट 4 AM, एएम का मतलब सुबह 12 बजे तक, तो 4 बजे सुबह होता है ना, तो आई विल मीट यू एट 4 AM, आई विल मीट यू एट 3 AM, आई विल मीट यू एट 11 AM, आई विल मीट यू एट 10 AM। अब यहां पे एएम पीएम तुम कहीं भी लगा सकते हो, तुम 4 बजे है 4 AM बोलो मतलब सुबह, अगर 4 PM बोला तो दोपहर के बाद शाम हो गया, तो 4 बजे शाम में मिल रहा हूं, दोपहर के बाद है, दोपहर के बाद है 4 बजे, तो इसका मतलब क्या हुआ PM का प्रयोग करेंगे। अगर तुम्हें बोलना है कि मैं इसमें आ गया बेटा, इसको वीडियो को बार बार देखो और हर एक बच्चों को बताइए कि आखिर बेसिक होता क्या है, एम पीएम का मतलब क्या होता है। हमने कहा 4 बजे शाम को मिलूंगा, 4 बजे क्या बोला हमने, शाम को मिलूंगा, तो आप बोलिए 4 PM मिलूंगा, 4:30 बजे शाम को मिलूंगा तो 4:30 PM बोलिए, यानी एम पीएम कहीं प्रयोग कर सकते हो राइट। तो 4 बजे शाम पीएम, 4:30 बजे शाम पीएम, अगर तुमको बोलना है 4 बजे सुबह मिलूंगा तो 4 बजे एम मिलिए, 4:30 बजे सुबह मिलूंगा तो 4:30 AM बोलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से इस वीडियो को बार बार देखो, अगेन एंड अगेन देखो, स्लो नहीं। मैं तेज क्यों बोलता हूं, ताकि मैं अधिक से अधिक आपको सिखा सकूं, फास्ट मूवर, सिलेक्शन चाहिए तो फास्ट चलो, धीरे नहीं चलना बेटा, और इस वीडियो को बार बार देखो, सीखो और पूरे भारत में क्रांति ले आओ, ठीक है। मैं आपका धर्मेंद्र सर आपके साथ काम करूं आपके लिए। अगर आप फिर भी कम समझ में आ रहा हो तो सिस्टमेटिक क्लास चाहते हैं तो कहां जाना है, गूगल पे www.dsenglish.com, और इस तरह से आप कम करिए और उसमें जाकर देखिए, सिस्टमेटिक क्लास आपको मिलेगा, बेसिक टू एडवांस क्लास अगर आप चाहते हैं करना, तो धर्मेंद्र सर से जुड़िए और आप घर बैठ के मोबाइल पर पढ़िए, या फिर दिल्ली चाहते हैं आना तो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, मेरे से आई टू आई पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं मोबाइल से पढ़ना तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, अब जैसे मर्जी हो, बस मकसद ये है कि आपका सीखना, आप सीखो और पूरे भारत में इसको फैलाओ, और धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।